हबुका किचन में आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी मिक्स ग्रेवी। इस ग्रेवी से आप सिर्फ 5 मिनट में 100 से भी ज्यादा वेज और नॉन वेज रेसिपी बनाकर रेडी कर सकते हैं, और इस रेडी मिक्स ग्रेवी को आप 2 हफ्तों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेडीमेड मिक्स ग्रेवी बनाने के लिए कुकर में 750 ग्राम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को 2 हिस्सों में काट लिया है। 2 मीडियम साइज के कैप्सिकम के बीज निकालकर इसे भी छोटे पीस में कट कर लिया है। और अब हम इसमें 10 से 12 काजू, 1 मीडियम साइज का कैरेट, 4 से 5 हरी मिर्च, 3 से 4 छोटे टुकड़े अदरक और आधा कप हरे धनिए के डंठल ऐड करेंगे। और अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच मरी दाना, 4 से 5 लौंग, 3 से 4 तेज पत्ता, 5 से 7 हरी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 टुकड़े तज और 4 सूखी लाल मिर्च। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 3 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। ये ग्रेवी में लहसुन और प्याज नहीं जाता है, इसलिए आप ये ग्रेवी को स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर 3 विसल आने तक कुक करेंगे। तो देखिए, हमने इसे मीडियम फ्लेम पर 3 विसल आने तक कुक कर लिया है और ये सारी चीजें अच्छे से कुक हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और इसे मिक्सी जार में निकाल कर इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हाफ क्रश किया हुआ मरीदाना ऐड करके 8 से 10 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 8 से 10 सेकंड अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी मिक्स जो हमने ग्राइंड करके रखा था, और अब हम इसे ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। 10 से 12 मिनट बाद ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी से टमाटर की जो खटास है वो बैलेंस हो जाएगी। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, रेडी मिक्स ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। रेस्टोरेंट में इसी तरह की ग्रेवी से कई सारी रेसिपी बनाकर रेडी करते हैं। तो ऐसी ही फटाफट से बनने वाली एक वेज और एक नॉन वेज रेसिपी हम बनाते हैं। फ्राई पैन में 3 बड़े चम्मच भरकर ग्रेवी ऐड करेंगे। आधा कप पनीर ऐड करेंगे और आधा कप बॉईल किए हुए मटर ऐड करेंगे और इसे ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर ऐड करके 8 से 10 सेकंड के लिए कुक करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो देखिए कितनी टेस्टी मलाईदार मटर पनीर की सब्जी बनकर रेडी हुई है। हरा धनिया और हरी मिर्च से इसे गार्निश करेंगे। तो आप इसे नान, पराठा, रोटी या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब हम बनाते हैं बोनलेस चिकन मसाला। तो इसके लिए फ्राई पैन में 1 छोटा चम्मच बटर ऐड करेंगे। बटर जब मेल्ट हो जाए तब आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 8 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें 1 कप बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमने छोटे पीस में कट कर लिया है और अब हम चिकन को हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और चिकन का कलर चेंज कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाने के बाद इसे ढककर लो फ्लेम पर ड्राई होने तक कुक करेंगे। तो देखिए, चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है और ये ड्राई भी हो गया है।
तो अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच भर के रेडी मिक्स ग्रेवी ऐड करेंगे और इसे चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर ऐड करके इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। बोनलेस चिकन मसाला बनकर रेडी हो गया है, तो आप इसे नान, पराठा या तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल करके इसे गार्निश करेंगे। तो इस तरह से आप कई सारी वेज और नॉन वेज रेसिपी इस रेड ग्रेवी से बना सकते हैं। रेस्टोरेंट जैसी रेडी मिक्स ग्रेवी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।